आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। रायबरेली डिपो की बस अड्डे से जैसे ही निकल रही थी, तभी किसी बात को लेकर बाइक सवार से बस चालक की कहासुनी हो गई, जिस पर बाइक सवार युवक ने बस चालक अजय सिंह की जमकर धुनाई कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना जैसे ही अन्य कर्मचारियों को लगी, सभी मौके पर इकट्ठा हो गए और अपने अपने बसों को बीच चौराहे पर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। साथ ही नारेबाजी शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाने का प्रयास करने लगी, पर बस चालकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक चक्का जाम करने पर अड़े रहे। अड्डे के अंदर दारू और गलत काम करते हैं, गांजा पीते हैं, ये बंद हो। नाम है आपका? अनमर राजन सर। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी ये मिली है हम लोगों को कि जो है मेरा चालक जो है मीरा से गाड़ी लेकर लखनऊ के लिए आया था, रायबरेली बस अड्डे से। गाड़ी अंदर पार्किंग में लगा रहा अपने ट्रैक, तो वहाँ एक दो लोग बाइक लेकर खड़े हुए थे, तो उसने उनसे बाइक हटाने के लिए कहा चालक ने कि भैया बाइक ज़रा किनारे कर लो, हम गाड़ी अपने ट्रैक पर लगा लें। तो वो नहीं हटाए और कुछ शायद चालक से कहा सुनी होने लगी, उसी बात करके गाली गलौज उन्होंने दिया। अब कौन है तो मैं नहीं जानता हूँ, तो उसने ये बताया। उसके बाद में उन्होंने दो चार लोगों को फ़ोन करके दो चार लड़कों को बुलाया यहाँ, और बुलाने के बाद उस चालक को मारना चालू कर दिया। आप लोगों ने क्या क्या किया? पत्थर में चलाया, उसके बाद में लाख घूसों से उसको मारा है, लेकिन लोगों ने देखा और हमको जानकारी। आप लोगों ने क्या किया फिर? हम लोगों ने इसके विरोध में ये किया कि जो है ये चक्का जाम कर दिया। पुलिस आई मौके पे? नहीं, पुलिस तो अभी आई है फिलहाल, लेकिन अभी कोई मतलब दिखा पड़ी या मतलब जो है एप्लीकेशन वगैरह कोई नहीं दिया गया है, क्योंकि मेरे अधिकारी जब तक आए नहीं तब तक कोई कानूनी प्रक्रिया हम लोग अपने हाथ से नहीं कर सकते। अब ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल पांडे है। क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली आपको? मैं यहीं पर चालक हूँ रोडवेज में, और हमारे यहाँ का चालक है अजय सिंह। वो गाड़ी अंदर पार्किंग में लगा रहा था, वहाँ पे कुछ लोग बाइक लेके खड़े थे। उसने कहा भैया बाइक साइड कर लो, वो लोग गाली गलौज करने लगे और हमारे चालक के साथ मारपीट किया। फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चक्का जाम किया, जब तक FIR नहीं हो जाता वो लोग अरेस्ट नहीं हो जाते, चक्का जाम नहीं हटेगा। ये आए दिन पब्लिक की हम लोग सेवा करते हैं और पब्लिक आए दिन ड्राइवर कंडक्टर को मारती पीटती है। आपकी मांगे नहीं पूरी, क्या करेंगे आगे आप? नहीं, मेरी कोई मांगे नहीं, मेरी मांग इतनी है कि जो लोगों ने बदतमीजी किया उनको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। चक्का जाम तभी हटेगा जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं हो जाते। मेरे उच्च अधिकारी भी आ रहे हैं, सबको फोन से सूचना दे दिया गया है, हमारे नेता मंत्री भी आ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, जब अधिकारी लोग आएंगे वही कोई फैसला लेंगे। अजय बहादुर सिंह, क्या हुआ है? बाइक बस अड्डे के अंदर लगाए हुए थे और बाइक हटाने के लिए कहे तो वो गाली गलौज करने लगे, इसी में चार पांच बच्चों को फ़ोन करके बुला लिए, और सब बच्चे यहीं के हैं, उनमें एक बच्चे का नाम जानते हैं केवल अंकुर, और जो चैन लेके गया है हमारी 250 तोले की चैन बनी हुई थी, इसका प्रूफ भी हमारे पास है। आप लोगों ने क्या किया फिर? जब सब हमारे चालक प्रचालक आए दो तीन लोग, तब वो लोग भागे मारपीट। और सर आए दिन ऐसा यहाँ करते हैं, आके दारू पीते हैं। बाइक हटाने के लिए बस अड्डे के अंदर गुजरे हुए थे बाइक, उसी को हटाने के लिए बोले तो कहे रुको भौंसड़ी के, गाली दिए और मारे पीटे। आपने क्या किया? आप लोगों ने? हमने बचाव किया सर, चार पांच लोग थे, और हमारे चालक प्रचालक ना आ जाते तो सर हमारे हेड में हेड इंजरी भी है, और सर में अगर गुम्बा मार देते तो हम तो बेकार हो जाते। अभी आप लोगों ने जो क्या किया है? अभी चक्का जाम किए हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं और हमारा स्टाफ। अगर गिरफ्तारी ना हुई तो क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली आपको? हमारे चालक अजय बहादुर सिंह है, उनको कुछ यही क्या स्थानीय लोगों ने मारपीट दिया है अनावश्यक बिना किसी कारण के। एक तो स्थानीय लोग यहाँ पे जाम लगाए रहते हैं सड़कों पर, उसके बाद अभद्रता भी करते हैं, तो ये गलत बात है। नहीं किया जाएगा। ये जो है कर्मचारी, सारा कर्मचारी रोडवेज का आक्रोशित है, और जब तक का इसका कोई सही निर्णय नहीं होगा, FIR हो तो उसका नकल का अरेस्ट किया जाए, तब तक का ये। कर्मचारियों ने क्या किया है आज? कर्मचारियों ने चक्का जाम किया।